हेलो गाइस, हमारा आज का टॉपिक है अम्ल, जिसको इंग्लिश में एसिड कहते हैं। वह पदार्थ जो पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, वह पदार्थ जो पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। उदाहरण देखेंगे अम्ल के, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अब जानेंगे अम्ल के प्रकार। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, पहला प्रबल या शक्तिशाली अम्ल, दूसरा दुर्बल या कमजोर अम्ल। सबसे पहले हम प्रबल अम्ल का परिभाषा और उदाहरण को समझेंगे। पहले नंबर पे है प्रबल या शक्तिशाली अम्ल। प्रबल अम्ल को ही शक्तिशाली अम्ल भी कहा जाता है। वह अम्ल जो पानी में पूरी तरह से टूटकर हाइड्रोजन आयन देता है प्रबल अम्ल कहलाता है। जो पानी में पूरी तरह से घुल जाता है, मिक्स हो जाता है, उसे प्रबल अम्ल या शक्तिशाली अम्ल कहते हैं। यह अम्ल खाने के काम नहीं आते हैं, ये इतना हार्ड होते हैं कि ये खाने के काम नहीं आते हैं। उदाहरण देखेंगे प्रबल अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3। ये जो अम्ल है ये शक्तिशाली अम्ल के उदाहरण हैं और यह खाने के योग्य नहीं होते हैं। अब देखेंगे दूसरे नंबर पे दुर्बल या कमजोर अम्ल। दुर्बल अम्ल को ही कमजोर अम्ल भी कहा जाता है। वह अम्ल जो पानी में पूरी तरह से टूटकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। अब हम लोग दुर्बल अम्ल के उदाहरण देखेंगे। एसिटिक अम्ल CH3COOH, लैक्टिक अम्ल, ये क्या है? दुर्बल अम्ल के उदाहरण हैं। अब आगे देखेंगे अम्ल के गुणधर्म। पहले नंबर पे है यह स्वाद में खट्टे होते हैं। जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। दूसरे नंबर पे है यह नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। लिटमस पेपर सभी जानते ही होंगे, जिसमें pH मान नापा जाता है। एक pH स्केल होता है और एक लिटमस पेपर होता है। लिटमस पेपर में अम्ल और क्षार को अलग अलग लिटमस में, अलग अलग रंग के लिटमस में चेक करते हैं और जो pH स्केल होता है उसमें नापते हैं कि ये कितने pH का है, या फिर ये अम्ल है या क्षार है या फिर उदासीन है। थर्ड नंबर पे देखेंगे यह पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। फोर्थ नंबर पे है यह धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब देखेंगे सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल अम्ल तथा जल का ऐसा विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक तथा जल की मात्रा कम हो उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ेंगे, अम्ल तथा जल, जल यहाँ पानी को कहा गया है, का ऐसा विलयन या फिर ऐसा घोल भी कह सकते हैं जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक तथा जल की मात्रा कम। जो अम्ल है उसको ज़्यादा उसमें डालेंगे और जो जल है, पानी है, उसको कम डालेंगे, वो सांद्र अम्ल कहलाते हैं। अब आगे देखेंगे तनु अम्ल। अम्ल तथा जल का ऐसा विलयन या फिर अम्ल तथा जल का ऐसा घोल जिसमें अम्ल की मात्रा कम तथा जल की मात्रा अधिक हो उसे तनु अम्ल कहते हैं। जिसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो उसे सांद्र अम्ल कहते हैं और जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा हो उसे तनु अम्ल कहते हैं। हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ। अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू।